ये खाओ बनने कर दो। असली में इसने ट्रॉफी नहीं देखी। अब देखूंगा, अब देखेगा। और मेरा बच्चा क्या क्या बोल रहा है बेटा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है, ठीक है, सुबह तो हो गई है, आपको पता ही चल रहा होगा। तो गाइस, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसलिए रिया ने किया है सारा काम आज, आप देख सकते हो। तो खाली जुकाम है, तो उसी के लिए मैं दवाई ले जाऊंगी आज। और मैं सोच रही हूँ कि आज नहाऊँ नहीं, क्योंकि मैं रेगुलर ही नहाती हूँ, तो उससे मुझे ज़्यादा जुकाम हो जाता है। इसीलिए रात को भी विक्स वगैरह लगाई थी। और बच्चों के लिए अभी बनाना है खाना। मैं सोच रही हूँ, तबीयत तो कैसे भी ख़राब होती है, बट अपने बच्चों के लिए तो खाना बनाना ही पड़ता है। और मैं सोच रही हूँ, आटा रखा है, रोटी बना लूँ, या फिर कन्नू कह रहा था मम्मी कचौड़ी बना लो, तो मैं सोच रही हूँ कचौड़ी बना लूँ। तो देखो क्या बनाऊंगी। और मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है, तो पहले मैं मॉइस्चराइजर कर लूँगी और फिर पहनूंगी और फिर जाऊँगी दवाई लेने, क्योंकि एक बार दवाई लेती तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि काम भी करना होता है, वीडियोज भी बनानी होती है, तो मैं आपको डेली व्लॉग में दिखाऊंगी तो मैं क्या करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे एक बार कमेंट जरूर करना गाइस, प्लीज़। आपका सपोर्ट चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी थोड़े बहुत पसंद कर रहे हैं उससे ज़्यादा आगे बढ़े और मैं भी आगे बढ़ूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ ज़रूर देना और कभी छोड़ना मत, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो ऐसे ही अगर आपको अच्छा लगेगा डेली व्लॉग, क्योंकि गाइज मैं साफ कहती हूँ मुझे डेली व्लॉग करना नहीं आता है, धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी अगर डेली व्लॉग करूँगी तो, क्योंकि आजकल डेली व्लॉग शायद पसंद करते हैं। पहले मैं इस चीज़ के खिलाफ ही, मैं साफ कहती हूँ जो भी कहती हूँ, कि मैं पहले इस चीज़ के खिलाफ ही कि डेली व्लॉग्स शायद नहीं करने चाहिए, बट हम सोशल मीडिया पे हैं तो सबको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। हम एक नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी आप ही की तरह हैं। बस ये फ़र्क है कि हम वीडियोज़ बनाने में आ जाते हैं, तो इसीलिए सब जानते हैं। तो गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जितने भी लोग मुझे जानते हैं और उससे ज़्यादा भी मुझे जाने, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं थोड़े थोड़े मेकअप के वीडियोस भी डालूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक काम ज़्यादा हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उस वजह से मेकअप नहीं हो पाता है, बट डेली का जो रूटीन होता है वो तो हो ही जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा डेली के व्लॉग्स भी डालूंगी। तो आप देख सकते हो, मैं जो आपको बताऊंगी कि मैंने वीडियोज़ के लिए क्या किया, क्या है, क्या क्या किया है, और कि मैं अभी भी कर ही रही हूँ, इतने साल हो गए हैं, तो आगे आपको सब कुछ पता चलेगा। और अगर आप आज का जो ब्लॉग है वो पूरे दिन का ही होगा कि क्या क्या मैं पूरे दिन में करूँगी, बट सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए दवाई लाना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं बट ठीक होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे संभालने हैं इसीलिए। और अगर मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है तो उनको खाना भी नहीं मिलता, इसीलिए मेरी तबीयत ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। परसों तो इसके पापा ने खाना बना लिया था, बट कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई थी तो मैंने ही बनाया फिर, इसीलिए कल मैंने ज़्यादा ठीक हो गई थी तो बेचारों ने परसों खाना नहीं खाया था, तो इसीलिए कल मैंने बनाया था चिकन और बिरयानी। तो मैंने सोचा कि मैं तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई तो बना देती हूँ, बट रात को फिर से मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि दवाई लाऊँ। इसके पापा कहते गए थे मुझे कि दवाई ज़रूर ही लाना, तो मैं ज़रूर ही जा रही हूँ दवाई लेने। तो आप भी चलेंगे क्या मेरे साथ मार्केट में? बट गाइज, आप कोई भी कमेंट मत करना देख करके ही ऐसे, क्योंकि हम एक नॉर्मल लाइफ आपसे शेयर करते हैं जो भी हम जीते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बार कुछ समझिएगा, और प्लीज़ कोई भी कमेंट मत कीजिएगा, कमेंट करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। अगर आप को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है मेरे व्लॉग में, तो आप मुझे एक बार प्यार से भी कह सकते हो कि शालू जी ऐसा है या शालू ऐसा है, जैसा आपका मन करे आप वैसा कह सकते हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या आपको पसंद है और क्या नहीं। बट ये हमारी डेली रूटीन लाइफ होती है, तो नॉर्मली होती है, तो सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा आपकी लाइफ में होता है। तो हम यहाँ से आज मैं आपको अपना डेली व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं क्या लाइफ जीती हूँ रोज के रोज, कैसे काम करती हूँ, कैसे बच्चों को संभालती हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ मॉइस्चराइजर, और मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी तैयारी, मतलब बाहर जाने की ध्यान रखिए। और मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, तो मैं घर में मैक्सी पहन के रखती हूँ इसीलिए। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी, और आप सोच रहे हो डॉक्टर के जाने के लिए क्या रेडी, बट मैं बिल्कुल ऐसे रहती हूँ ना सिंपल घर में, तो कुछ भी नहीं करती इसीलिए। उनकी दुकान पे थोड़ी चलेंगे भाई, जबरदस्ती दस्त हो रहा है, कुछ नहीं होता जबरदस्ती दस्त, इस पता है बस दस्त की दस्त मतलब लूज मोशन होते हैं ना, तो इसी कभी कभी हो जाता है, कुछ उल्टा सीधा खा लेता है तो इसीलिए तो हो जाते हैं। और हमारी लूज सीट देखो बैठी है नीचे, लूसी
देख इधर, इधर देख, मैं इधर देखो, लूसी देख, लूसी और लूसी, लूसी अब की देखो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाने से ना बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है एकदम से। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं जा रही हूँ अब, तो हम चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं। लूसी मैं जा रही हूँ, लूसी देख, चलो 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 देख, चलो देख, चलो 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 बोल रही है कि चलो 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 ऊपर नहीं लूसी। गाइस ये ऊपर जाती है ना तो इसीलिए ऊपर मास्क, और आप देख रहे हो यहाँ पर सारे मास्क सूख रहे हैं और कन्नू का भी है, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ, मैं जा रही हूँ दवाई लेने और बहुत ज्यादा धूप हो रही है। लाए हो भैया कितने का ये? सही लगा ये बहुत अच्छा है, जो माल है नहीं सा माल है पूरी माल है उसी टाइम भला है, बट कलर तो मेरे अकॉर्डिंग दिखा ना कलर नहीं दिख रहा, हां देखो सभी चीज ठीक है, नहीं हमारा लगे 19 दिसंबर है, है ही नहीं माल ही नहीं इसका, इतना ज्यादा मैंने भाग दिया, नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा दिखाने का हटियो सर खाना, ये मेरे भैया कभी कभी हम संभाल लेते कितने के बहुत सारे डिजाइन हो जाता है मालियों का, थोड़ा सा डस्ट कराना एक बार, थोड़ा स्टेप कराना फेयर स्किन टोन होती है। तो गाइस मैं आ गई हूँ डॉक्टर की दुकान पे और अब ले रही हूँ दवाई, तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। इसमें नहीं होगा ये कलर, ये तो बिल्कुल पैटर्न है मेरे पास, ये वाला पैटर्न तो है मेरे पास। ये कितने का? 320 का। दिखाएंगे अच्छा, आप खाना खा रहे हैं? इसमें भैया मस्टर्ड नहीं मिलेगा? दिखाओ ना जरा सा येलो, ये वाला पकड़ पकड़ ऐसे पकड़ो, इसमें व्हाइट शरारा अच्छा लगता है, व्हाइट ब्यूटी का नहीं है, फैशन कलर का है, फैशन कलर का कलर दो शेड आएंगे सिल्वर पिंक और थोड़ा सा हाथ पे डस्ट करना मुकुल जरा पकड़ से
सिल्वर पिंक है और एक ये मैजिक गोल्डन है। बस 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 तो अच्छे हैं दोनों। कितने कितने क्या प्राइस है इसका? 225 का एक है। और कोई कंबाइन में है जैसे दो तीन जैसे इस तरीके में आते हैं ना? ब्यूटी का 150 तक आ गया। इतना अच्छा शिमर है वो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये दे दो ना मेरे को नेल फाइनर। एक ये फ्लावर ये कौन कितने क्या? ये ना लेकिन मैं गजरा नहीं मिलेगा आपके पास जो हैवी सा होता हूँ। नहीं नहीं ये हैवी चाहिए मुझे, ये तो एक्सेसरी चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि पता क्यों फेस दिखाते ना तो मेरी ये जैसा दिखती नहीं है, पीछे से काफी बड़ा सा ना दिखाई भी देगा इसलिए। कितने का ये? दो ही चीज पसंद आई है। चलो कितने पैसे है भैया? ओ अच्छा ठीक है 60 ठीक है। देख लो हमें तो एक पाव चाहिए बस। कैसे तो मोटी मोटी ले लो आप चाहो क्या ना मोटी मोटी लेना। ये लो भैया ये आप टीवी पर आ जाओगे नहीं होगा मास्क लगवा रखा है ना। एक आधी किलो काम कर दिया बहुत अच्छी। चलो कटवा देख लो अच्छा ठीक है। तुम्हें ककड़ी बता देंगे मैं शक्ल नहीं बताई है। आगे हैं अब और आप देख सकते हो हमारा इंतजार ये जोरों शोरों से हो रहा है। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ ऐसे करती है आ गई मैं आ गई। चलो अंदर चलो अब जब तक इसे मिल नहीं लूंगी ना जब तक ये ऐसी करती रहेगी बस 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 बस। अरे चल तो सही भाई चल अंदर चल चल चल। हाँ हाँ ठीक है कहाँ गई ये ऐसी करती है। गाइस मैं आ गई हूँ दवाई लेकर और बहुत ज्यादा गर्मी थी और अब मैं थोड़ा सा हाथ वाथ धोऊंगी सैनिटाइज होंगी तब जाके आपसे मिलती हूँ। आरव को नहलाऊंगी नहीं क्योंकि आरव को भी रात को छींक आ रही थी इसीलिए मैंने सोचा कि आरव को आज नहीं नहलाऊंगी तो आरव मुंह ही धो के आ गया है बस अब। दिखाओ आरव के पापा आज कह के गए थे कि आरव गेम नहीं खेलेगा ठीक है और नहीं नहीं मैं तो दिखाऊंगी आरव आज गेम नहीं खेलेगा और आरव जो है वो गेम खेल रहा देखो और शाम को आएंगे ना पापा तो ये पता चल जाएगा उनको। चलो तो हम खाना बना लेते हैं ना पहले चलो मैं खाना बना के मिलती हूँ। तो गाइस मैंने खाना खा लिया और अब आरव को खिला रही हूँ। आरव ने मेरे साथ खाना नहीं खाया था वो अलग से खा रहा है क्योंकि चावल खाने थे। सुनने तो दे यार आरव ने चावल खाने थे तो वो अलग से खाएगा बट अब मैंने रोटी खाई है एक और ठीक है। तो मेरे बालों में यहाँ पर वेव्स आ गए हैं थोड़े से बाल मिले इतने बड़े हैं ना अभी थोड़े से तो उसमें वेव्स आ गया और लाइट आरव का खाना हो गया और पता नहीं कौन आया तो ये भौंकने लग रही है बाहर और आरव का और हम सबका खाना हो गया है और मैं अब खाऊंगी दवाई और थोड़ी देर लेटूंगी। वैसे मैं सोती नहीं हूँ दिन में कभी कभी मेरी तबीयत खराब होती है जब भी मैं सोती हूँ दिन में वैसे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं दवाई खा के थोड़ी देर लेटूंगी और आपसे मिलती हूँ शाम को। और गाइज अभी मैं व्लॉगिंग शुरू की है मैंने स्टार्ट की है तो कैसी आपको लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बारी ज़रूर बताना और विदाउट मेकअप फेस मेरा ऐसा ही है तो आप जज मत करना कि मेकअप से कैसा हो जाता है। मेकअप से सभी लोगों का फेस अलग हो जाता है तो इसीलिए के लिए ये मेरा जो एक डेली रूटीन है जो नॉर्मल लाइफ है मेरी वही है इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और आगे मैं मिलती हूँ आपसे शाम को तो थोड़ी देर मैं सो जाती हूँ इसीलिए रेस्ट कर लेती हूँ दवाई खाकर। तो